हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जैसे कि बढ़िया होंगे। तो आज किस वीडियो में यहाँ पे रियलमी 3 के लिए स्पेशली ये वीडियो है। रियलमी 3 में मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 9 में किस प्रकार से अपग्रेड करना है। यहाँ पे अपडेट जो है वो लिंक जो है वो आ चुका है रियलमी कम्युनिटी पर। तो मैं आपको अपग्रेड करने बताऊंगा किस प्रकार से रियलमी 3i में यहाँ पे एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 9 में कन्वर्ट करना है। और आप जो है रियलमी 5 के लिए अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट में मैंने वीडियो बना दिया। अगर इस वीडियो को आप टोटली देख लेंगे तो आपको पूरे पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे मामला है, किस प्रकार से यहाँ पे रियलमी 5S में यहाँ पे अपग्रेड करना है। अगर ये वीडियो आप देख लिए तो ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है जिस प्रकार से रियलमी 3 में जो है लिंक आया है उसी प्रकार से यहाँ पे सभी डिवाइस के लिए आएगा, जिसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। जैसे रियलमी 5S में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका भी लिंक जो है अपग्रेड करने का आएगा एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 9 में। हालांकि मैंने जो है पिछले वीडियो में कल के दिन यहाँ पे इस वीडियो में मैंने बताया था किस प्रकार से एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 9 में करना है रियलमी 5S 5 के लिए। तो आप इस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और कस्टमर केयर से मैंने बात किया था, कस्टमर केयर क्या क्या बोला इस पर आप इजीली जाकर देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि अगर आप केयर में विजिट करते हैं तो वहाँ से आपका जो है अपग्रेड हो जाएगा एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 9 में। तो मैं यहाँ पर फिलहाल बात कर रहा हूँ रियलमी 3 में। तो रियलमी 3 में अपग्रेड किस पर करें, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लिंक में ले चलता हूँ। ये लिंक जो है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से दे दिया हूँ। और हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जो लिंक है वो फाइनली यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर देखते हैं डाउनलोड का लिंक यहाँ पर दिया गया है। इसको जो है अपग्रेड करने का एक टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पर जो है। यहाँ पर आप देखते हैं ये रियलमी का ऑफिशियल वेबसाइट आया है। यहाँ पर देखते हैं रियलमी रोल बैक ट्यूटोरियल रियलमी 3 एंड्रॉइड 10 बैक एंड्रॉइड 9। तो एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 9 में आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पर देखते हैं अगर आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं इसे जो है इग्नोर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्लेमर दिखाया गया है, इसको जो है सभी के सभी स्टेप को यहाँ पे पढ़ना है। मैं इंपॉर्टेंट जो है स्टेप मैं आपको बताता हूँ अपग्रेड करने के बाद, अपग्रेड करने किस प्रकार से अपग्रेड को करना है। तो अपग्रेड करते समय जो है आपका जो है जितना भी डेटा है मोबाइल में, जैसे फ़ोन हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, फोटोज़ हो गया, जितना भी मतलब है इस तरह का सर आपको जो है पेन ड्राइव में मूव करना है या फिर लैपटॉप वगैरह में मूव करना है या फिर जो है SD कार्ड में मूव करना है। मोबाइल फोन में SD कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड जिसे बोलते हैं, उसमें आपको जो है सारा का सारा डेटा को मूव करना है या फिर बैकअप लेना है अपने डिवाइस को। तो आप जैसे ही जो है बैकअप वगैरह ले लेंगे और अपना डेटा को जो है सेव कर लेंगे तो यहाँ तक कि जो है आपको कॉल को जितना भी कॉन्टैक्ट है उससे भी जो है सेव करना है। अगर सिम कार्ड में कॉन्टैक्ट वगैरह सारा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। उसके बाद जैसे आप अपग्रेड करना करेंगे तो आपका जो है बैटरी यहाँ 60% होना चाहिए। 60% से अगर कम है तो इसे अपग्रेड जो है आप नहीं करेंगे। तो आपका 60% यहाँ पे जो है होना चाहिए, उसके बाद ही इसे अपग्रेड करेंगे। उसके बाद आपको एक वर्जन चेक करना होगा रियलमी 3i में। अगर रियलमी 3i में यहाँ पे C.11 वर्जन है तभी इसे आप अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है ओनली सपोर्ट वर्जन आफ्टर C.11 कैन बी रोल्ड बैक। तो C.11 अगर आपके रियलमी 3i में वर्जन है तो उसे ही केवल अपग्रेड कर सकते हैं। सभी के सभी वर्जन के लिए यहाँ जल्दी आएगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसके बाद ये जो है इंडिया में केवल काम करेगा। आप दूसरे कंट्री से हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह से, फिलीपींस से हैं, तो वहाँ पे जो है दूसरे कंट्री में जो है अदर कंट्री के लिए नहीं है, केवल इंडिया के लिए है। तो आप जो है अदर कंट्री के हैं तो आप अपग्रेड इसे ना करें, अदरवाइज आपका अपग्रेड नहीं होगा। ये केवल इंडिया के लिए यहाँ पर देखते हैं सच लिखा हुआ है अवेलेबल फॉर इंडिया यूजर ओनली। तो इसे अपग्रेड करने के लिए आपको करना कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर देखते हैं कि डाउनलोड का लिंक दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको जो है मोबाइल का वर्जन चेक करना है। वर्जन चेक करने के लिए आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर डायलर पैड को जो है ओपन करना है। यहाँ पर देखते हैं जिससे फोन लगाते हैं डायलर पैड, आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर आपको टाइप करना है *#1234, उसके बाद फिर से हैश डालना है। अब यहाँ पर आप देखते हैं आपका जो वर्जन यहाँ पर सामने आ चुका है रियलमी का जो है रियलमी 5 का है C.53 है। तो C.11 आपका वर्जन यहाँ पर है तभी इसे अपग्रेड कीजिएगा रियलमी 3i में। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ फिर वेबसाइट पे। आप इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर जैसे नीचे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है जिप फाइल। तो यहाँ पे मैं ऐसे डाउनलोड नहीं करना चाहता, यहाँ से मैं आपको जो है डाउनलोड को पॉज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पॉज को देखिए, क्योंकि मेरा पास रियलमी 5 का है, मेरे पास 3 का नहीं है। अगर आपके पास 3 का है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इजली यहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करने के उसके बाद आपको फाइल में जाना है। फाइल में यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से स्टेप को फॉलो करना है। तो इसका जो है मैंने कैप्चर पहले से रखा है तो मैं कैप्चर को ले लेता हूँ यहाँ पे। वहाँ पे जूम नहीं हो रहा तो जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे कैप्चर को जो है पहले ही मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, तो मेरा यहाँ पे जो है डाउनलोड में है। तो यहाँ पर आप देखते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ही आपका जो है अपडेट डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको जो फाइल मैनेजर होता है फाइल मैनेजर में आपको जाना है। उसके बाद फ़ोन स्टोरेज में आपको जाना है। फ़ोन स्टोरेज में आप जैसे जाएंगे उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अब जो है अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 3 जुलाई को जो है ये अपग्रेड जो है रोल आउट हुआ था और यहाँ से लेट से यहाँ पे डिलीवर हो रहा है वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है फाइल मैनेजर मिल जाएगा फ़ोन स्टोरेज में। उसके बाद अगर फ़ोन स्टोरेज में आपको नहीं मिलता है तो आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। मैं यहाँ पे आपको जो है दिखा देता हूँ।
यहाँ पे फोन मैनेजर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक डाउनलोड का सेक्शन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इजीली वो जैसे आप डाउनलोड करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे नहीं मिलता तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जैसे आप फोन मैनेजर जाते हैं। उसके बाद इस पर आपको टैप करना है, इस पर जैसे ही टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अपग्रेड नाउ का ऑप्शन दे रहा है, अपग्रेड नाउ पर आपको क्लिक करना है और आपका फोन जो है कुछ ही समय में यहाँ पे जो है इजिली अपडेट हो जाएगा एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 9 में। तो यही था प्रोसेस अपग्रेड करने का एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 9 में। मुझे उम्मीद है जो आपको अच्छी प्रकार से जो है पता चल गया होगा। अगर आपका जो है रियलमी 3 आई नहीं है, अदर फोन्स है जैसे रियलमी 5 हो गया, 5i 3 हो गया, 2 प्रो हो गया, यहाँ पर बहुत सारे डिवाइस है जिसमें जो है प्रॉब्लम आ रहा है, हैंगिंग का प्रॉब्लम है एंड्रॉइड 10 करने के बाद, तो आपका अदर फोन है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके लिए भी जो है यहाँ पे सॉल्यूशन मैं जरूर लेकर आऊँगा, आप हमारे चैनल पर जो है बने रहेगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको जो है टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा किस प्रकार से एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 9 को अपडेट करना है। जैसे जो है अब यहाँ पे वेबसाइट पर जैसे जो है लिंक आएगा ऑफिशियल तो मैं आपको जो है बता दूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पे अपग्रेड करना है। तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा, नीचे एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उस पर आपको क्लिक करके जो है सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा कि यहाँ पे अपडेट कब तक यहाँ पे रिसीव होने वाला है। तो आपका जो है रियलमी 3i नहीं है तो रियलमी 3i नहीं है बल्कि दूसरा फोन है तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे नेक्स्ट अपकमिंग अपडेट आए तो यहाँ पे मैं आपको इजीली बता दूँ किस प्रकार से उसे अपग्रेड करना है एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 9 में। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Okay.